मैडम, जो 8 नवंबर को नरेंद्र मोदी पीएम ने अचानक जो नोटबंदी का ऐलान किया, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये भारतवर्ष में आजादी के बाद सबसे बड़ा पब्लिक धोखा है। इट इज एन आउटराइट फ्रॉड। और दुख की बात यह है कि इसको एक झांसा दिखाया जा रहा है पूरी पब्लिक को कि ये करप्शन और ये ब्लैक मनी रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन ये प्रिसाइसली एक साजिश है जो कि आम जनता का पैसा जो है वो कॉरपोरेट सेक्टर को या एलीट सेक्टर को परमानेंटली ट्रांसफर कर रहा है। इसके जरिए से आपके बैंक्स जो हैं, जो आपकी पूरी जायदाद और आपका पैसा संभालने की जिनकी जिम्मेदारी है, उनको आपने बिल्कुल इतनी बदतर हालत में छोड़ दिया है, क्योंकि वो लार्जेस्ट 10 जो जिन्होंने लोन लिया है वो लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए आपने उनके लोन माफ कर दिए हैं और जनता का पैसा स्क्वीज करके अपने कंट्रोल में रख के बैंक्स को वायबल बना रहे हैं। ये एक बैंकिंग सिस्टम का फाइनेंशियल क्राइसिस है और उस क्राइसिस ये क्रिएट किया हुआ है लार्ज कॉरपोरेट सेक्टर ने। उसको डील करने के लिए पूरी जनता को आपने, इंडिया की जो ऑर्डिनरी जनता है फ्रॉम मिडिल क्लास टू लोअर क्लासेस, आपने उनको सजा दे रहे हैं। और इसके फायदे जो हैं, अभी भी जो लिक्विडिटी सारी बैंक्स में आएगी, इससे और लोन देने की फैसिलिटी होगी, और जाहिर है गरीब आदमी को तो लोन नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी अगर पे नहीं करेगा तो उसको सिर्फ एक ऑप्शन है सुइसाइड कमिट करने की। लेकिन जो कॉरपोरेट सेक्टर है, जो बड़े बड़े अदनानी, रिलायंस वाले अंबानी, बाकी जो और भी बड़े बड़े शख्स है, वेदांता ग्रुप जो है, जो आधा बाहर बैठा हुआ है, इन पेटीएम जो कि एक चाइनीज कंपनी है, इन सब लोगों को जितना जो फायदा होगा, और उसके बाद इनको ये फैसिलिटी क्यों होगी हम फिर लोन पे नहीं करें, डिफॉल्ट करें। तो ये फाइनेंशियल एक ट्रिक है, एक फ्रॉड है टू ट्रांसफर टू बेल आउट, कि जो अपने लोन्स पे डिफॉल्ट करता है उनको बेल आउट करने का एक साजिश है। लेकिन जिस तरीके से गरीब लोगों के और आम इंसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, अब इसका तो सच में एक नास्तिक होते हुए भी हम बोलते हैं कि इसकी जो हाय और बद्दुआ जो लगेगी वो अल्लाह को आवाज सुन के इसका इलाज तो अल्लाह ही करेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि लोग भी इस चीज को इतना बर्दाश्त कर रहे हैं, इतनी सहनशीलता दिखा रहे हैं कि ये सियासत के लिए एक बहुत आसान तरीका हो रहा है। तो लोगों को इस इश्यू के ऊपर एक पब्लिक आउटक्राई होनी चाहिए, लोगों को सड़कों पे आ जाना चाहिए, इसको बिल्कुल नामंजूर करना चाहिए, इस तरीके से जिस तरीके से हमने अंग्रेजों को नामंजूर किया था, इसी तरीके से इसके खिलाफ जोरदार आवाज एक आम जनता को उठानी चाहिए और इस धोखे से आजाद होना चाहिए। एक यही तरीका है। और ये जो लोगों की डेथ हो गई है इसमें, और ये गरीब लोगों की, बुजुर्गों की जो डेथ हो गई है, आई कॉल इट अ ह्यूमन सैक्रिफाइस, दीज आर स्टेट मर्डर्स, द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल। ये सरकार की जिम्मेदारी है, उनको मारने की जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार के हाथ में सरकार के हाथ जो है खून में रंगे हुए हैं, एंड दिस इज अ ह्यूमन सैक्रिफाइस। और इसको एक रोमांटिसाइज किया जा रहा है कि देशभक्ति के लिए मर रहे हैं, वो कोई देशभक्ति के लिए नहीं मर। अगर देशभक्ति के लिए मरना है तो बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर को बोलिए, अंबानी और अदनानी को बोलिए, अपने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दीजिए, सब पॉलिटिशियंस को बोलिए, क्योंकि सब पॉलिटिशियंस इसमें, ज्यादातर पॉलिटिशियंस, मैं सब नहीं बोलूंगी, ज्यादातर पॉलिटिशियंस सब इस साजिश में मिले हुए हैं, उन्हें पहले जानकारी थी, उन्होंने अपने इंतजाम कर लिए हैं, और ये बिल्कुल जाहिर है क्योंकि सबकी आवाजें चुप हैं। वो किस मुंह से बोलेंगे, क्योंकि वो खरीदे गए हैं, वो बिकाऊ हैं, हमारे जो नुमाइंदे हैं जिनको हम वोट डालते हैं वो बिकाऊ हैं और वो बिक गए हैं, इसलिए उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मीडिया जो ग्राउंड हकीकत को छुपा रहा है, इसके तरफ से मीडिया भी इस, देखिए मीडिया को एक ब्लैंकेट मीडिया नहीं कह सकते, आफ्टर ऑल आप भी मीडिया हैं, और आप अगर ये आवाज ले जा रहे हैं बाहर तक, तो आप
असलियत जमीन की आवाज ले जा रहे हैं। तो मीडिया में भी डिविजन्स हैं, लेकिन कुछ मीडिया बिल्कुल बिके हुए हैं, यू नो, जैसे जी न्यूज है, आज तक है, ये लोग जिस तरीके के हिस्टीरिया जनरेट कर रहे हैं और एक 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 ड्रामा बना रहे हैं एक सिचुएशन को, लोगों के माइंड को कॉलोनाइज करने के लिए और इन्फ्लुएंस करने के लिए, इस मीडिया को तो पब्लिक में अब मतलब दे शुड गेट अब्यूज्ड इन पब्लिक, दे डोंट डिजर्व एनी रिकॉग्निशन। लेकिन बात यह है कि मीडिया भी जो है वो कॉरपोरेट सेक्टर से कंट्रोल्ड है और कॉरपोरेट सेक्टर को इस साजिश में फायदा है, तो जो फायदे वाले लोग हैं वो इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं, ब्लैक मनी वाले लोग नहीं है। जो ऑनेस्ट लोग हैं वो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और जिनको इस साजिश से फायदा हो रहा है, और ये साजिश में ब्लैक मनी और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। आखिर में मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि इन जो हालात है, हैदराबाद में तकरीबन एटीएम्स बंद है, बैंकों के पास चार चार घंटे पांच पांच घंटे ठहरने के बाद सिर्फ 2000 रुपए की नोट मिल रही है, 24000 का वायदा किया गया था, इन हालात में आम आदमी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप लोग सब मिलजुल के, आम आदमी को मिलजुल के कलेक्टिव तरीके से पब्लिक प्रोटेस्ट करिए, यही आज की शाम का ये पैगाम था, और इसके सिवाय और कुछ सुनवाई होने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अब उम्मीद एक जुडिशरी से थी, जुडिशरी भी चुपचाप करके देख रही है और चुप बैठे हैं, और लोग जो हैं वो जुल्म को सहते जा रहे हैं, इसके इस जुल्म के कम होने की कोई उम्मीद नहीं है, और उनको सुनहरे सपने दिखा के उनको एक बहकाया जा रहा है कि 50 दिन के बाद क्या होगा 50 दिन के बाद, कोई जादू की छड़ी है किसी के पास, क्या होगा आगे? हमको 2.5 साल से सुनहरे सपने दिखाए जा रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे, रोजगारी बढ़ेगी, ये होगा, वो होगा, दूध की नदियां बहेंगी, ये सब बिल्कुल सरासर धोखा है। और इस मेरा पैगाम ये है लोगों के लिए कि इस धोखे में, इस झांसे में मत आए, और अपने दिमाग से बिल्कुल जो हकीकत दीवार पे लिखी हुई है, जो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसका तजुर्बा हो रहा है उनको एवरी डे ऑफ देयर लाइव, हर दिन हर लम्हे में, उस चीज को सुने और इसके धोखे में नहीं आए, और यही पैगाम आम लोगों में फैलाएं और इसकी प्रोटेस्ट करें। ये पब्लिक प्रोटेस्ट के सिवाय और कोई तरीका नहीं है। थैंक यू जी, शुक्रिया।